भैया राम राम। का भोसा भोसा डाल रहा होगा? अरे हो भैया तना भोसा डाल रहा था रे, इतने तीन तक जाते कहाँ जल्दी जा रहा था, बैठ तो लेते ना जी। अरे तने तक जाने, अरे आ तो गए लगिए का। अरे बैठ लेता भैया। जवा दा दादी। हाँ भैया। का आज करौंदा रौंदा फैल हुए, मैंने यहाँ लड़कन के देखे थे सो जाद भाव चिल्ला रहे करौंदा करौंदा। अरे सुनो तो भैया, हम उन्हें हैं। अच्छा जाने कहा था भैया चीन से आ हुए, जो तो परदेश है। हाँ भैया बहुत दूर है। लेकिन यार इस सीजन में कहाँ करौंदा रखे यार, अपने तो मिलत कहूँ। अरे भैया विदेशन में जाने का कहा लगो है। जो तो सही कह रहा हो यार ते। लेकिन जो बता कहाँ जा रहा हो तू देखे? अरे जा रहा हूँ तू तना के तई में, और जो ससु का बताऊँ बहुत ही तो मच हुआ है। मैं तनक सोचा था कि निबू को अचार खत्म होगा वो है। अच्छा सो यही करौंदा ले आऊँ, लड़का मचाए रहा थे। अरे मैं लाने चले यार एक किलो ले दीजिए। अरे संगे चल लते। अरे माँ दादी तुम जो खाओ लड़का बच्चन जैसे काम का। आओ राम सा उधर भैया, मैं लेता हूँ ठीक है। मैं कुल्ला में दूँगा। चलो भैया आओ। राम राम भैया। राम राम राम। किधर चल दिए? अरे साहब तनक हम करौंदा लेने जाते साहब। ये कहाँ मिलेगा? अरे साहब बाजार में मिलेगा ही। वो कहाँ मिले? बाजार? ये कहाँ से आया इस समय करौंदा? आपने नहीं सुना का साहब? अरे साहब जो चीन से आओ है। दूर रहे दूर रहे। चीन से? हाँ साहब। तू करोना की बात कर रहा है ना? करोना नहीं करोना साहब। अरे पागल हो गया है। अरे ये गांव के लोग भी ना, अरे इसे इसे बता तू वो करोना नहीं। करोना नहीं कोरोना है, बीमारी है। ऐसो कम? हाँ बीमारी है वो, घर में रहना है आपको। अरे राम सा उधर भैया तो बताती कि करोना है। बुद्धि फिर गई है, इन्हें जानकारी नहीं है। कितने तक पढ़े हो तुम? पढ़ी पढ़ी अड़ी नहीं है साहब हम तो। इसीलिए तुम निकला, ये लाठी देखी है? हाँ साहब देखी है। अभी इससे तुम्हें हम करौंदा देते हैं। इससे साहब कैसे करौंदा? अभी बताते हैं तुमको हम करौंदा। जो साहब का कर रहे साहब? बैठो बैठो। साहब का कर रहे? अरे नहीं साहब। अरे यहाँ भी ना कैसे कैसे लोग भरे पड़े। अरे साहब जानकारी नहीं है सर इनको, समस्या है जागरूकता की। अरे तो ऐसे तो ये सब एक दूसरे में इस तरह से कोरोना फैला देंगे ये लोग। है ही सर, काफी टाइम भी हो रहा है फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। कितना समझाते हैं इन लोगों को घर से मत निकलो। अब देखिए ये बगैर पढ़े लिखा आदमी ये करौंदा, वो कोरोना की जगह करौंदा बोल रहा था। अब साहब क्या बताएं, लोग चार लोगों के बीच में गप्पे कर लेंगे लेकिन कभी भी जागरूक होने की कोशिश नहीं करेंगे। न्यूज चैनल का यूज करें, सोशल मीडिया में इस तरीके से प्रसारित हो रहा है, जागरूक किया जा रहा है। बुंदेलखंड में बहुत लोग बगैर पढ़े लिखे भी है ना, इसी कारण। ठीक है चलो ये देखो ये कोई गाड़ी आ रही है। अभी देखता हूँ। रोको रोको अभी। ए